नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। करीमुल्लाह खान व्यवसायी, व्यापारी एवं समाज सेवी की जमीन की असामाजिक तत्वों द्वारा लूटी जा रही है। यूपी के जिला बलिया में ग्राम सभा बहेरी में कटहर नाले के पास राजधानी रोड पर करीमुल्लाह का व्यवसायी, व्यापारी एवं समाज सेवी का जमीन रजिस्ट्री हुई है, जिसमें आज 4 महीने से अपना काम निर्माण कार्य करा रहे हैं। इसी दौरान बहेरी के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रास्ते के नाम पर विवाद पैदा कर दिया है और व्यवसाय करीमुल्लाह खान के पुत्रों व भाइयों पर जानलेवा हमला मुश्ताक पहलवान के गोल द्वारा किया गया, जिसमें दोनों तरफ से चोटें आई हैं। व्यवसायी के पुत्र सीरियस कंडीशन में सदर अस्पताल बलिया से बनारस के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों तरफ से कोतवाली सदर बलिया में मुकदमा कायम किया गया है, लेकिन आज व्यवसायी करीमुल्लाह खान अपना व्यवसाय बैंक से लोन पर चला रहे हैं। आज इनकी स्थिति व्यवसाय बंद होने से काफी परेशानी में है, इसलिए कि उनके विरोधियों द्वारा आज भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। करीमुल्लाह खान एक मरीज आदमी सदमे में पूरे परिवार के साथ जी रहे हैं। अपनी गुहार जिला के आला अफसरों के यहाँ जाकर लगा रहे हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित और व्यवसाय सुचारू रूप से चले और शांति कायम रहे, हमारी जमीन कोई लूट न पाए और हमारी यही शासन से अपील है। मीडिया कर्मी से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए व्यवसाय एवं समाज सेवी कमला खाओ ने बताया कि आज मेरी सारी बिजनेस बंद पड़े हुए हैं, भाई के मारे हमारा परिवार पूरा सदमा में है और हम अपने पूरे परिवार की सुरक्षा शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पूरा परिवार निडर होकर अपना व्यवसाय करे और शांति प्रिय से अपनी जिंदगी बसर करे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद की रिपोर्ट। आप वहाँ झगड़ा फसाद कराए हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये बात कहाँ तक सत्य है? उन लोगों का ये कहना बात सरासर नाजायज है। ये सब प्लानिंग के तहत होता है। कोई भी हम व्यापारी हैं, हम बाहरी लोगों को बुलाएंगे। मेरी मकान ऑलरेडी बन रही है 4-5 महीना से, पीछे से ढल भी गया है, 7-8 फुट सब बीम उठ गए हैं, चारों तरफ से 7-8 फुट दीवारें उठ गई है, तो हमको किस मुद्दा से बुलाना है? क्या मुद्दा है कि हम बाहरी को बुलाएंगे? ये सारे आरोप मतलब बिल्कुल निराधार है। ये सारी आरोप निराधार है। हमारा तो आज के कंडीशन ये पोजीशन है हमारे, तो हम अपनी जमीन पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि वो लोग लोकल घर है, लोकल के हैं, 10-5 की संख्या में अराजक तत्वों को बुलाकर बैठा रहे हैं। हम अपनी, हमारा काम भी बंद है, हमारा सीमेंट कहीं सड़ रहा है, कहीं बालू है, कहीं गिट्टी है, कहीं सामान लोग चोरी सामान तो मौके पर गए नहीं, क्या क्या सामान मेरा है, कहीं सामान है कि चला गया। आज भी आपको मारने के, आपके परिवार को मारने के फिराक में लोग वहाँ बैठे रहते हैं। 14 तारीख से आज तक हम लोग की हैसियत नहीं है कि मैं अपनी जमीन पर जाके खड़ा होकर अपना सामान भी देखे। हमारा कंडीशन ये है कि मेरे टाली कारखाना बंद है, क्योंकि टाली का कारखाना चला रहा जो भाई अब्दुल्ला है वो इतना चोटिल है कि वो बेड रेस्ट पे है, बनारस से आकर अभी घर पे महीनों 2 महीना लग जाएगा सुधरने में। मेरा भतीजा है, टायर की दुकान चलाता है, अलमराज का है, 5-7 लेबर है, शू सेंटर पर 5-7 लेबर है, टायर की दुकान पर 2-3 आदमी है, सब दुकान बंद है, तो उनका तनख्वाह कैसे देंगे? बरसात का माहौल चल रहा है, बिजनेस इसी तरह डल चल रहा है, मैं तो हर तरह से मारा जा रहा हूँ। काफी आप चिंतित हैं। मैं इतना चिंता हूँ जब क्या हम बताएं, रात को नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली खाना पड़ रहा है। और आप कुछ कहना चाह रहे थे? इस सारे मामले में जो वर्तमान प्रधानपति है मुल्ला से, ये आग पीछ करके लड़ाई करा रहे हैं, हम लोग को बरगला रहे हैं कि चलो फिर मारा जाए। मैंने आपके इस मामले में वर्तमान प्रधान की काफी सराहनीय भूमिका है, जिस मामले को तूल पकड़ाने में वर्तमान प्रधानपति अब्दुल्ला से। अच्छा, वो मामला को अभी तूल पकड़ाने की कोशिश में लगे हैं और हर जगह उनके साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फिर उनके दरवाजे पर चढ़ कर इन लोगों को मारा जाए, इन लोग बहेरी गाँव छोड़कर। आप कैसी है हालात? क्या पूछना है? वहाँ काम हो रहा है, हालात को वहाँ बंद करा रखा है। जिस दिन विवाद हुआ उस दिन तो काम बंद हो गया, दूसरे दिन मैं चाहा कि पहले सीसीटीवी कैमरा लगवा दे, लेकिन वहाँ जो मुश्ताक पहलवान का डेरा है हमारे पीछे, वहाँ 10-15 लोग और 10-15 लोग इश्तियाक मिस्त्री का, चूंकि घर है उत्तर साइड में, ये लोग आके जो बहरी का ही केबल लगाने वाला व्यक्ति को भेजे थे कि जाइए सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, 16,000 रुपए उसको दिए कि जाइए मौका पमोनो पर आप लगा दीजिए, उसको लोग गाली गलौज दे के खेद दिए। परिस्थिति यह है कि वहां 10-5 की संख्या में हमेशा बाहरी, चूंकि अराजक तत्व लोग हैं, यहाँ के माफिया है,
उन्हों का ये है कि सामाजिक व्यवस्था से मेरे लड़के को लोग कहने लगे कि आप प्रधानी लड़िए। अब प्रधानी का नाम सुनकर हम लोग उखला गए, चूंकि उन्हीं के घर खानदान में प्रधानी रहती है। ये लोग एक व्यवस्था कायम किए, हमसे लोग आकर कहे कि लड़के को प्रधानी से हटा दीजिए और बहुत पैसा कमाते हैं जमीन के दुनिया में, तब पैसा हम लोग को प्रधानी लड़ने के लिए 2-4 लाख चाहिए। मगर यहाँ स्थिति जो आपके साथ जो बनी है, ये एक तो सबसे पहले आपकी जमीन हटने की नीयत से और दूसरी एक गांव सभा की राजनीति की नीयत से यह झगड़ा आपके द्वारा की आप पे वो हमला किया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे हमारी जमीन का ये कंडीशन हम लोग कह रहे हैं कि इनका कहेंगे छोड़ के जाए के पड़ी, इनका गाय घर भेज दे जाए। हम इनके बारे में जानते नहीं खा कहता हूँ, लुटा नहीं जाए पटा नहीं जाए लुटा में का बा। आपकी लड़के की आज जो है बहेरी में एक बहुत अच्छा जो है लोगों के साथ एक इनके व्यवहार से इनके कार्यों से लोगों ने इनको एक नेतृत्व सौंपने का काम किया है, जिससे उन लोगों के अंदर वो बौखलाहट हो गई है, क्या इस पर आप कहेंगे मेरा साहब? आप बताइए। जो शेख साकिब जी हैं, जिनके नाम धर्म लिखा गया है, उनके पिताजी जलालुद्दीन शेख हैं, वो प्रधानी लड़ रहे हैं, वोट लगा भी दिए हैं। साकिब हमें रास्ते में हमेशा बोलता है कि तुम प्रधानी लड़ोगे और पर्चा दाखिल करने जाओगे तो उसी दिन गोली से मार दिया जाओगे। मैंने आपको आज से ही लोग धमकाना शुरू कर दिए। हाँ, से ही लोग धमकाना शुरू कर दिए। अच्छा, झगड़े के दिन जो है आप कहाँ थे? झगड़े के दिन हम घर थे, घर से निकल कर अपनी दुकान पे अलग्राज सू सेंटर पर जा रहे थे। तब तक अपनी आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम करीमुल्ला खान है, मैं मूल निवासी ग्राम गायघाट पोस्ट बघौन थाना हल्दी जनपद बलिया का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बहेरी में 15-17 साल से मैं रह रहा हूँ। हम और हमारे परिवार के लोग भी यहाँ रोजगार करते हैं, मैं शुद्ध व्यापारी हूँ। हमारा व्यापार अल्मरा ट्राली उद्योग, अल्मरा ट्रेडिंग कंपनी, अल्मरा रियल एस्टेट, अल्मरा शू सेंटर, हम और हमारे परिवार के लोग मिलकर रोजगार करते हैं, मैं शुद्ध व्यापारी हूँ। और मैं कटहल नाला पुल के पास 2008 में जमीन ग्राम बहेरी मजबूला सिद्दीकी से खरीदारी किए, अराजी नंबर 109/6 जो लवे रोड पे थी, उसके पीछे हम हम पहला बैनामा मजबूला सिद्दीकी बहेरी से लिए थे। उसके बाद दूसरी बैनामा जो हमारी बीबी राजिया खातून के नाम से रजिस्टर्ड है, जो आप हाथ में लिए हैं? नहीं, जो ये पहला है, पहला रजिस्ट्री आप दिखाइए। ये पहला रजिस्ट्री जो है हमारी वाइफ राजिया खातून, पत्नी करमुला खां, विक्रेता मजबूला सिद्दीकी बहेरी बलिया से रजिस्ट्री हुई है 109/6 जो मेन रोड पे लखनऊ राजमार्ग पे नियर अबाउट 80 फुट उसकी फ्रंट थी।